सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो एट्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस का ही सेकंड पार्ट है। मतलब इस वीडियो में हम एट्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आप एट्थ हाउस के बारे में थोड़ा बहुत अपना जो यू नो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करना चाहते हो तो उसको लेके मैंने एक अलग सा वीडियो बना दिया है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो या फिर मैं आई बटन पे यहाँ पे दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके भी उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहूँगी कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, ओके। और पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पर चलते हैं। अब देखिए, अगर आपका जो एट्थ हाउस का लॉर्ड है वो आपके सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे अगर भावद भावम से हम देखें तो एट्थ लॉर्ड अपने खुद के हाउस से ट्वेल्थ में चला गया है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो बेसिकली जो मैरिज है, बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आप कुछ भी पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेगा। मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन वाला जो सिचुएशन है वो आपको नज़र आएगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर प्लैनेट गुड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो आपको पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखने को मिल सकता है, पर अदरवाइज यहाँ पे आपको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखने को मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे दिखाता है कि आपके मैरिज भी ब्रेक हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब रीमैरिज की भी कुछ भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुंडली मैच करके फिर शादी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आपके जो इन लॉज होंगे उनका इंटरफेरेंस आपके शादी में ज़रूर देखा जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस के लाइफ में उनके मदर और फादर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो, या फिर आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ में भी। यहाँ पे देखिए, अगर प्लैनेट गुड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आपको आपके इन लॉज का सपोर्ट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, और उसके सपोर्ट से आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हो मैरिज के बाद। यहाँ पे कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट भी यहाँ पे दिखाता है। मतलब ये हो सकता है कि आपका अगर यू नो जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर हो तो आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, ये हो सकता है शादी के बाद जाके, या फिर कुछ भी रिसर्च के ऊपर आपका कुछ बिजनेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है और उसका मतलब पर्सनालिटी का कुछ एक हिडन साइड रहता है जो बहुत लोग आसानी से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सेवेंथ हाउस भी काम स्थान है और एट्थ हाउस भी कहीं ना कहीं यू नो फिजिकल इंटीमेसी वाला जो थिंग है वो भी शो करता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो थिंग्स है, मतलब फिजिकल इंटीमेसी वाला थिंग, ये तो मैरिज के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पर्सन के लिए भी ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब ये हो सकता है कि आपका जो मैरिज है वो आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रैवल भी दिखाता है, क्योंकि ट्वेल्थ में चला गया तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में मतलब ऐसा कुछ बिजनेस हो जो फॉरेन से कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एट्थ हाउस आपके डिजीजेस को भी शो करता है कहीं ना कहीं, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव वे में प्लेस्ड है तो फॉरेन लैंड में जाके आपका कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो मैरिड लाइफ है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर नज़र आएगा। अब देखिए, अगर आपका जो एट्थ हाउस का लॉर्ड है वो एट्थ हाउस में ही प्लेस्ड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाएगा, और कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग वाला भी परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। पर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्लैनेट किस डिग्निटी में प्लेस्ड है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, ओवरऑल मतलब पर्सन कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ सडन ग्रोथ आ सकता है जो बेसिकली उनके मैरिज के थ्रू हो सकता है, उनके इन लॉज के थ्रू वो हो सकता है। यहाँ पे पर्सन को इनहेरिटेंस से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं पर्सन के आयु स्थान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब एक लॉन्ग लाइफ, एक मतलब जहाँ पे उनका ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा डिजीजेस नहीं रहेगा, ये दिखाता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ भी सडन वेल्थ गेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो करता है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, पर पर्सन के लाइफ में जो भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पर्सन उसको कॉन्फिडेंट
डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ पे एक फियरलेस पर्सनैलिटी भी आप पर्सन के अंदर देख पाओगे। मतलब हर एक चेंजेस के लिए उनके पास यू नो कुछ भी प्लान रह सकता है कि मुझे इसको ऐसे हैंडल करना है, वैसे हैंडल करना है, तो ऐसा आप उनके अंदर देख पाओगे। पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च माइंडेड होंगे, उनको ऐसा हो सकता है कि मेंटल जो पीस है वो ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके ज़्यादा मिले, या फिर कुछ भी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन यहाँ पे देखिए 8th हाउस कहीं ना कहीं यू नो टैक्सेस का भी हाउस है, तो उनका कुछ प्रोफेशन वैसे टाइप का हो इंश्योरेंस टैक्स के ऊपर बेस करके। यहाँ पे देखिए पर्सन को कहीं ना कहीं अपने चिल्ड्रन से काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए उनका जो रिलेशन है अपने इन लॉज के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल रिलेशन रहेगा, इन लॉज से भी उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव प्लेसमेंट बन जाता है। तो अगर आपके कुंडली में ये बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्लेस्ड है तो आपके ओवरऑल यू नो मोक्षा के लिए, लिब्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब अगर आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए 8th लॉर्ड अपने खुद के हाउस से भावोद्भावन से अगर हम देखें तो 2nd में चला गया है। तो यहाँ पे अगर पर्सन कोई भी हायर स्टडीज़ करना चाह रहा है ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, या फिर कुछ भी रिसर्च उनका स्टडीज़, मतलब जहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, रिसर्च वर्क, तो ये सब तरीके की जो स्टडीज़ है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बैड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो आपके हायर स्टडीज़ में कुछ भी ब्लॉक हो जाना, मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाना, मतलब रुक जाना किसी भी परिस्थिति के कारण, ये भी शो करता है। यहाँ पे आपका जो हायर स्टडीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको अपने हायर स्टडीज़ का जो डिग्री है वो पाने के लिए आपको मतलब ट्रेवल भी करना पड़े, यू नो न्यू कंट्री में आपको शिफ्ट होना पड़े, या फिर कोई भी न्यू प्लेस में आपको जाना पड़े, ये हो सकता है। या फिर आप ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट को सीखने के लिए भी शायद आपको थोड़ा बहुत दूर जाना पड़े, आपके जो टीचर होंगे वो भी डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्सन ऐसे होंगे कि कोई भी रिलीजियस जो रिचुअल्स है उसको वो ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उसके बारे में अच्छे से जानेगा फिर उसको ट्रस्ट करेगा। मतलब पर्सन का जो बिलीफ सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस के थ्रू यहाँ पे गुजरेगा। मतलब एक रिलीजन में वो यू नो कंप्लीट फेथ उसका नहीं होगा, ये दिखाता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पे फॉर्च्यून, मतलब उसमें भी यू नो भाग्य का जो सपोर्ट, वो आपको यहाँ पे कभी ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छा मिल रहा है, कभी थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, तो वैसे टाइप का एक रह सकता है। यहाँ पे देखिए फादर के साथ आपका जो रिलेशन है वो भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर सकता है। यहाँ पे अगर प्लैनेट बैड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो ऐसा भी हो सकता है कि फादर को अचानक कुछ भी हेल्थ इशू हो जाए, सडन कुछ हेल्थ इशू हो जाए, ये शो करता है। पर कहीं ना कहीं देखिए अपने खुद के हाउस से 2nd में जाने के कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फादर से आपको वेल्थ जेनरेट हो, मतलब इनहेरिटेंस कुछ मिल जाए, ये हो सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जो भी चीज़ को लेके अपना हायर स्टडीज़ कर रहे हो, मतलब स्पेशली अगर रिसर्च ऑकल्ट इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका कुछ भी यहाँ पे स्टडी है, तो उसके ऊपर बेस करके भी आपका वेल्थ जेनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बेसिकली आप यहाँ पे देखिए ट्रैवल के थ्रू भी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ आपको मिल सकता है। पर यहाँ पे अगर बैड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो ट्रैवल के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक शो करता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चार्ट के डिग्निटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिखने को मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए अगर आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कुछ भी सडन इवेंट या फिर कुछ भी ऐसा सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट डाल सकता है। मतलब यू नो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके हित के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ भी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो तो देखिए आप प्लैनेट की डिग्निटी के ऊपर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं 8th हाउस का लॉर्ड अपने भावोद्भावन से अगर हम देखें तो 3rd हाउस में चला गया है, मतलब 10th में चला गया है। तो यहाँ पे पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा प्रोफेशन में, तो ही जाके उनको जो सक्सेस है वो उनको मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अपना जो करेज है, अपना मतलब जो एफर्ट है वो अपने करियर में पर्सन को डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फियर को आप लोगों को अवॉइड करके अपने प्रोफेशन में चलना होगा। यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि पर्सन का जो करियर है वो इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, मीन्स एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन
सब के ऊपर भी हो सकता है, या फिर इनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का हो सकता है, या फिर वर्क एनवायरनमेंट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत यू नो फादर के ऊपर भी इसका मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर फादर के साथ भी आपका जो रिलेशन है या फिर फादर के जो वेल्थ है उसमें भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला सिचुएशन आपको दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये जो पर्सन होते हैं ये लोग अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो बहुत यू नो पॉजिटिव चेंजेस ये लोग सोसाइटी में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो आपके कुंडली में अगर ये पॉजिटिव वे में प्लेस्ड है तो यू नो आप सोसाइटी में बहुत अच्छे कुछ भी पॉजिटिव चेंज भी यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, 10th हाउस उपच्चय हाउस भी है, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलने में मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मतलब आफ्टर 30 जाके जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, आफ्टर 30-35 जाके फिर आपका जो करियर है वो सेटलमेंट की तरफ आपको जाते हुए ज़्यादा नज़र आ सकता है। अब देखिए, अगर आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में चला गया है, तो यहाँ पे बेसिकली पर्सन का जो आयु है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब खुद के हाउस से 4th में जाने के कारण पर्सन का बेसिकली जो लाइफ स्पैन है वो ठीक ठाक रहता है। अब देखिए, यहाँ अगर गुड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो, एंड यहाँ पे देखिए 11th हाउस भी उपच्चय हाउस है, तो जो भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने में थोड़ा बहुत आपको वेट करना होगा, मतलब आफ्टर 30-35 जाके ये रिज़ल्ट आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे पर्सन का बेसिकली जो इनकम है उसमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन वाला सिचुएशन रह सकता है, मतलब कुछ भी सडन इवेंट की वजह से यू नो पर्सन शायद कुछ भी नौकरी कर रहा था उससे उसको एक स्टेबल इनकम जनरेट होते हुए नज़र आ रहा था, फिर मतलब कुछ ऐसा सरकमटेंस हो गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया कि उसका जॉब चला गया या फिर उसने कुछ भी बिजनेस में वो शिफ्ट हो गया। बिजनेस का क्या रहता है कि मतलब जो इनकम है वो स्टेबल नहीं रहता, कभी बहुत अच्छा आ रहा है कभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो ऐसा टाइप का उनका इनकम का जो सोर्स है वो आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि पर्सन का बेसिकली जो इनकम सोर्स है वो इनहेरिटेंस से हो सकता है, इन लॉस से भी उनको कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेट होते हुए नजर आएगा, आपको बहुत ज़्यादा गेंस मिल सकता है अपने इन लॉस से। यहाँ पे ऑकल रिलेटेड स्टडीज़ मतलब एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इन सब से भी आपका इनकम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च टाइप के वर्क से भी आपका इनकम आ सकता है, या फिर इंश्योरेंस वगैरह में अगर आप नौकरी करते हो तो वहाँ से भी आपका इनकम जनरेट होते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं पर्सन का जो फ्रेंड सर्कल है या फिर फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन है वो भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन वाला रह सकता है, या फिर पर्सन के जो फ्रेंड्स है वो भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यू नो ऑकल्ट रिलेटेड स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, ये हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत सीक्रेटिव नेचर उनके अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे एल्डर सिबलिंग के साथ भी रिलेशन कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन वाला रह सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर प्लैनेट गुड डिग्निटी में प्लेस्ड है तो आपको यहाँ पे एल्डर सिबलिंग से कुछ भी वेल्थ रिलेटेड गेन भी हो सकता है, या फिर उनके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी पॉजिटिव अगर गेन आपके कुंडली में बन रहा है तो उसको देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा, मतलब आफ्टर 30-35 जाके वो जो पॉजिटिव गेन्स है वो आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 12th हाउस में चला गया है, तो यहाँ पे देखिए दोनों मोक्षा हाउस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हाउस है। तो यहाँ पे देखिए, पर्सन कहीं ना कहीं उनका नेचर भी थोड़ा बहुत सीक्रेटिव हो सकता है और उनको आइसोलेटेड प्लेसेस में जाना ज़्यादा पसंद हो सकता है, मतलब आइसोलेटेड रहना उनको ज़्यादा पसंद हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी सडन इवेंट उनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गया होगा, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो योगा, मेडिटेशन, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ सकता है। तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी कर सकता है इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर, या फिर मेडिकल फील्ड में भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे पर्सन का जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि 12th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सडन इवेंट की वजह से उनका एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ सकता है, मतलब यू नो
कुछ भी सडन इवेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, तो उसमें कुछ भी यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे नज़र आ सकता है। या फिर पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि गैम्बलिंग वगैरह का अगर शौक़ हो तो उसमें भी पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करता हो। या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव वे में प्लेस्ड है प्लैनेट तो डोनेशन भी यहाँ पे शो करता है, मतलब पर्सन काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल नेचर के हो सकते हैं, ये शो करता है। मतलब स्पिरिचुअल कामों में वो ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करते हो, ये हो सकता है। या फिर फॉरेन ट्रैवल में भी जा सकते हैं, मतलब कुछ भी लाइफ में सडनली उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे वो यहाँ पे फॉरेन में जा सकते हैं, फॉरेन में जाके सेटल भी हो सकते हैं। पे देखिए कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन का कुछ भी स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब बहुत अच्छे से नींद ना आने की प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से कोई भी डिजीज़ हो जाना, ये भी शो करता है कि अगर यहाँ पे प्लैनेट रॉन्ग डिग्निटी में प्लेस्ड है तो। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फिजिकल प्लेजर्स के लिए यह अच्छा माना जाएगा अगर गुड डिग्निटी में प्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक विपरीत राजयोग वाला भी कंडीशन बन रहा है। विपरीत राजयोग मतलब आपका जो भी खराब होने वाला था वो कहीं ना कहीं आपके हित में काम करेगा, पॉजिटिव आपका यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आपको नजर आएगा। तो विपरीत राजयोग वाला यहाँ पे परिस्थिति बनने के कारण और एट लॉर्ड अपने खुद के हाउस से फिफ्थ में जाने के कारण भी यहाँ पे आपको हैप्पीनेस ही ज़्यादातर फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह से मिल सकता है। पर अगर रॉन्ग डिग्निटी में है तो वहाँ पर आपको वहाँ पर सफ़र करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने कुंडली में वो देखना है कि किस साइन में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एट लॉर्ड आपके कुंडली के जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।